गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष 2021 में ईंधन की खपत में कितनी प्रतिशत गिरावट आई है? इसके ऑप्शन है 9.1%, 9.5%, 10%, 8.5%। इसका राइट आंसर है 9.1%। भारत में वित्त वर्ष 2021 में ईंधन की खपत में 9.1% की गिरावट आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार COVID-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की ईंधन में मांग में 9.1% की गिरावट आई है। 1998 से 1999 के बाद यह पहली बार हो रहा है जब भारत में ईंधन की खपत में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में जो ये पेट्रोलियम से बने उत्पादों का उपयोग 2019-20 में 214.12 मिलियन टन था, जो कि 2020-21 में 194.63 मिलियन टन हो गया है। PPAC इसके यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई। महानिदेशक हैं प्रवीण एम खनुजा, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिट 2021 की अध्यक्षता की? इसके ऑप्शन हैं पुर्तगाल, इटली, नीदरलैंड, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल समिट 2021 की अध्यक्षता की है। मार्च 2021 में होने वाले नीदरलैंड के आम चुनाव के बाद यह प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे द्वारा पहली बार उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पीएम रूटे 4वें लगातार कार्यकाल के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। बैठक के दौरान दोनों पक्षों में व्यापार, अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहरों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे, राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में जॉन कैरी ने भारत का कौन सा दौरा किया यह कौन से देश के दूत हैं? इसके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। जॉन कैरी हैं जिन्होंने अभी भारत का दौरा किया है, ये अमेरिका के दूत हैं। लीडर्स मीट ऑन फॉर क्लाइमेट पर भी चर्चा की, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन होस्ट करेंगे और जलवायु के प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22-23 अप्रैल 2021 को होने वाले एनर्जी एंड क्लाइमेट के मेजर इकोनॉमिक फोरम पर वर्चुअल लीडर्स मीट में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नियंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा रूसी EAL सर्गेई लावरोव ने भारत की यात्रा की, जो कि अफगान शांति प्रक्रिया, रक्षा संबंधों पर चर्चा की है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य में फ्लिपकार्ट ने एशिया के सबसे बड़े पूर्ति केंद्र की स्थापना की? इसके ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। का राइट आंसर है हरियाणा। जो फ्लिपकार्ट है, इन्होंने एशिया के सबसे बड़े पूर्ति केंद्र की स्थापना हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में इसकी स्थापना की है। और इसके लिए जो हरियाणा सरकार, इन्होंने 140 एकड़ भूमि को आवंटन को मंजूरी दी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर 30वीं बुनियादी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है भारत। जलवायु परिवर्तन पर 30वीं बुनियादी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भारत करेगा। 30वें सत्र बेसिक है, इसका मतलब इसमें 4 देश हैं, ये एक संगठन है जिसको बेसिक बोलते हैं। इसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन है। भारत द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन पर मंत्री स्तरीय बैठक की लगभग 7 से 8 अप्रैल 2021 को
हुई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। इसमें विकसित देशों में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का भी आग्रह किया है। जो ये BASIC बेसिक देश, यह एक समूह है देशों का जो कि 2009 में स्थापित हुआ था। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। और ग्रुपिंग का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और बड़े पैमाने पर धन जुटाना और जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भारत का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम बना है। यूपी के एक नागरिक निकाय गाजियाबाद नगर निगम नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन चुका है और इन्होंने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नगर पालिका बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने के लिए निगम को केंद्र सरकार से 19.5 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी मिला है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य में 3 बैंड रोज फिंच नई प्रजातियां खोजी गई हैं? इसके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 बैंड रोज फिंच नई प्रजातियां खोजी गई हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले शंकुधारी जंगलों में एक नई एवियन प्रजाति 3 बैंडेड फ्रॉन्च फिंच को देखा है। यह शंकुआकार बिल में रहने वाले हैं और जो कि बीज खाते हैं। भारत में एवियन प्रजातियों की कुल संख्या 1340 पहुंच गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी दिवस 2021 कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस 2021 मनाया गया ताकि होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा के क्षेत्र में इसके योगदान को चिन्हित किया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एक करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।